वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, यूपी SSSC पीटी के लिए रिवीजन सीरीज चल रही है। इतिहास विषय के 4 टॉपिक कंप्लीट किए हैं, उसके अलावा पॉलिटी का एक टॉपिक डल चुका है और हिंदी का भी एक टॉपिक डल चुका है। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए आपके एग्जाम के लिए। अब आज से लगभग 43 डेज बाकी बचे हुए हैं और ये वाला एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तैयारी अच्छी कीजिए और अच्छा स्कोर टारगेट आपको करना है और अच्छा स्कोर करना ही है एग्जाम में। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे पॉलिटी का दूसरा टॉपिक और इसमें हम देखेंगे संविधान सभा की समितियां। समितियों से एक या दो प्रश्न बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो पूरी समितियां एक साथ देखेंगे। जब संविधान का निर्माण हुआ तो संविधान के निर्माण का कार्य तो एक बहुत बड़ा था, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, आप सभी जानते ही होंगे। तो बहुत विशाल संविधान था, इतना बड़ा संविधान बनाना है तो एक साथ तो नहीं बना सकते थे या कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता था। देश के विभिन्न भागों से अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलाया गया, लोगों को बुलाया गया और सभी ने मिलकर संविधान का कार्य किया। बहुत लंबे समय तक संविधान का कार्य किया गया, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के लगभग लगे संविधान को बनने में। तो जब संविधान का कार्य प्रारंभ किया गया, तो जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो लोगों को कार्यों को बांटा जाता है, कार्य बांट दिए जाते हैं, कार्यों को टुकड़ों में बांट दिया जाता है और फिर कार्य किया जाता है। इससे क्या होता है कि कार्य आसान हो जाता है और कार्य कंप्लीट भी हो जाता है। तो इसी तरह संविधान को जब बनाना प्रारंभ किया तो संविधान में अलग अलग हिस्सों को बांट दिया गया, लोगों में बांट दिया गया और उन्हीं को समितियां कहा गया और उन समितियों का एक एक अध्यक्ष बनाया गया। तो यही समितियां आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सी समिति किसके पास थी और किस समिति का अध्यक्ष कौन था। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, देखेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां। संविधान के लिए सबसे बड़ी जो 8 समितियां थी वो बड़ी थी और इसके अलावा अन्य छोटी छोटी समितियां भी थी, तो इन समितियों के बारे में देखेंगे। बड़ी समितियां कौन कौन सी थी, तो पहली बड़ी समिति थी संघ शक्ति समिति और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष रहे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, संघ और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतों के प्रमुख अगर पूछे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति या फिर परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। इस समिति के अंतर्गत 5 उप समितियाँ थीं, इनको भी देख लेते हैं। 5 उप समितियों के नाम कौन कौन से थे, मौलिक अधिकार उप समिति जो जे बी कृपलानी जी के पास थी, अल्पसंख्यक उप समिति एस सी मुखर्जी के पास थी, इसके अलावा उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोटे जो छोड़े गए क्षेत्र हैं उनके लिए उपसमिति बनाई गई और यह गोपीनाथ बारदौली जी के पास थी। छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम के सिंचित क्षेत्रों के अलावा इसके लिए जो समिति बनाई गई थी वो ए वी ठक्कर जी के पास थी। तो ये कुछ उपसमितियाँ थीं इसकी और इसके अलग अलग अध्यक्ष थे तो इनके नाम भी आपको याद रखना है। अगली समिति थी प्रक्रिया नियम समिति और यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। संचालन समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। राज्यों के लिए समिति या फिर राज्यों से समझौते करने वाली समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद छोटी समितियां हैं, छोटी समितियों में वित्त एवं कर्मकारी समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। प्रत्यय क्रीडेंशियल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास थी। सदन समिति पट्टाभी सीतारमैया के पास थी। कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी ने संभाली थी। राष्ट्रध्वज समिति तदर्थ समिति थी राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जी वी मावलंकर के पास थी। ठीक है, इनका नाम सुना होगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी यही बने थे, जी वी मावलंकर जी। और संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी इन्हीं के पास थी। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस बरदाचारी के पास थी जो कि सभा के सदस्य भी नहीं थे। फिर अगली समिति का नाम है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, यह बी पट्टाभी सीतारमैया के पास थी। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार जो कि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे इनके पास थी। भाषाई प्रांत आयोग बहुत ही प्रमुख समिति है और यह एस के धर
के पास थी और यह भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग एस के धर की अध्यक्षता में बना, याद रख सकते हैं आप। अगली समिति है प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति और यह जवाहरलाल नेहरू के पास थी। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन ने संभाली हुई थी। नागरिकता पर तदर्थ समिति यह एस बरदाचारी जी के पास थी और यह भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इनके पास दो समितियाँ थी, नागरिकता पर तदर्थ समिति एस भट्टाचार्य के पास थी। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति इन्हीं के पास थी। जवाहरलाल नेहरू के पास कौन कौन सी समितियाँ थी? प्रारूप संविधान की जांच के लिए समिति और फिर बड़ी समितियों में संघ समिति, संघ प्रक्रिया समिति, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी और राज्यों के लिए समिति जो समझौते थे राज्यों से संबंधित वो भी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो ये समितियों के नाम याद रखने हैं, इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बार बार पूछी जाती हैं, वो है संघ समिति, संघीय समिति, प्रारूप समिति और अल्पसंख्यक मामलों और जनजातीय मामलों से संबंधित समिति, संचालन समिति और प्रक्रिया नियम संबंधी समिति। ये सारी समितियाँ बार बार पूछी जाती हैं तो इनके नाम आप याद रखें। इसके बाद प्रारूप समिति के बारे में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, बार बार पूछी जाती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में यह समिति बनी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह वह समिति थी जिसे संविधान, नए संविधान के प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। इसमें 7 सदस्य थे, 7ों के नाम आपको याद रखना है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादि कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव और इन्होंने बी एल मित्र की जगह ली थी जो कि स्वास्थ्य कारणों के कारण नहीं रहे, त्याग पत्र दे दिया था उन्होंने समिति से। टी टी कृष्णमाचारी और इन्होंने 1948 में डी पी खेतांग की जगह ली जो कि मृत्यु हो गई थी डी पी खेतांग की, तो उसके बाद किसी को तो सदस्य बनना था तो टी टी कृष्णमाचारी ने इनकी जगह ली। तो ये 7ों नाम आपको याद रखने हैं। अम्बेडकर जी तो आपको याद रहेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा अयंगर, अय्यर, मुंशी, सादुल्ला, राव, कृष्णमाचारी, ऐसे आप नाम याद रख सकते हैं। आपको एक रिदम बनाकर आप याद कर लें तो अच्छा होगा, आपको याद रहेंगे। तो ये महत्वपूर्ण समितियाँ थी, इनसे संबंधित तथ्यों को अगले वीडियो में देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे इससे संबंधित तथ्यों की। तब तक के लिए आप बाकी बचे जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, प्लेलिस्ट को फॉलो कर दीजिए और फ्री टेलीग्राम चैनल है अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपके लिए डेली प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है और इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर बनेगी। बिल्कुल एग्जाम का जैसा पैटर्न है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे ही क्विज लगवाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल मिस ना करें। अगर तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें। इसके अलावा रिविज़न सीरीज़ पूरी देखें आप और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप हमारे पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।